9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेताओं दिग्विजय और कमलनाथ के पड़ोसी बन गए। सिंधिया को नया बंगला अलॉट होने को लेकर अब सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि सिंधिया को सरकार ने बंगला श्यामला हिल्स B5 अलॉट कर दिया है। ये बात राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और रोचक है। वो इसलिए क्योंकि एक तो राज्यसभा सांसद को राजधानी में कोई बंगला करीब 18 साल बाद मिला है, दूसरा ये उन्हें बीजेपी सरकार में महज 48 घंटों के अंदर मिल गया, जबकि कमलनाथ सरकार महज एक बंगले को लेकर सिंधिया को महीनों से यहाँ वहाँ घुमाती रही। गौरतलब है कि सिंधिया पिछले कुछ सालों से भोपाल में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए बंगला चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को लगता था कि अगर सिंधिया को कोई ठिकाना मिल गया तो सरकार पर उनका दबाव बढ़ जाएगा, और ये बात इन नेताओं को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ और दिग्विजय ये कभी नहीं चाहते थे कि सिंधिया को भोपाल में कोई बंगला दिया जाए, जबकि अगर वो चाहते तो सिंधिया के लिए बंगला एक हफ्ते में तैयार हो सकता था, लेकिन कमलनाथ की मंशा कभी ही रही ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि गृह विभाग को हिंट दे दी गई थी कि सिंधिया को बंगला नहीं देना है। सिंधिया ने कमलनाथ सरकार आते ही 4 इमली स्थित उस बंगले के लिए आवेदन किया था जो गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को अलॉट किया था, और कमलनाथ ने इस आवेदन को गृह विभाग को भेज दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही भूपेंद्र सिंह को लगी तो उन्होंने पहले ही लिख दिया कि वो ये बंगला अप्रैल 2020 तक खाली नहीं कर सकते। इस तरह ये बंगला सिंधिया के हाथ से निकल गया। सिंधिया जब परेशान हुए और चक्कर काटे तो गृह विभाग ने उनसे कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लिंक रोड नंबर 1 वाला बंगला ले लें। सिंधिया इस बंगले के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन शिवराज ने आखिर तक ये बंगला खाली नहीं किया, और इस बीच गृह विभाग ने ये बंगला सांसद नकुल नाथ को अलॉट कर दिया। इस तरह ये बंगला भी सिंधिया के हाथ से निकल गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।